ये क्या दे दिया ब्रो? देख जिगर के चल रहे तेरे भाई की बल्ले बल्ले भाई साहब, तो चल रहा है पूरे घर में पुताई। तो भैया अपने घर में एक स्पेशल चीज बता दो, जब आपके घर में कोई पेट होता है ना भाई, तो ये देखो फिर ये होता है, उसके बाल हर जगह मिलेंगे आपको। ये देखो पूरे घर में डॉलर के बाल ही बाल है, क्योंकि इतना हेरी डॉग है ये। तो अभी ये देखो जैसे ये अपना बेड है, तो ये देखो ये रे बाल। ऐसा होता है भाई साहब जब डॉग्स के साथ रहते हैं, तो बालों में रहना पड़ता है मेरे को। डॉलर पानी पी रहा है? पानी पी रहे हो डॉलर बाबू? क्या देख रही हो? ओ भाई कितनी प्यास आ रही है मुझे। तो अपने मीटअप की वीडियो देख रही है। तो मीटअप कैसा रहा यार? तू क्यों बोलने लग रहा था जब मेरा कैमरा ऑन था? मम्मी देखो ना कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ? ये देखो लाइट भी जला दी, ठीक लग रहा हूँ? ये कपड़े ठीक लग रहे हैं, ट्रैक सूट बहुत टाइम से नहीं पहना था, एडास ओरिजिनल्स का। कैसा लग रहा है ये पहन जाऊँ? एकदम बम बम। तो चलो जाता हूँ मैं पार्टी में, मैं भी एक्साइटेड हूँ, बट पार्टी में कुछ सामान तो मैं ही ले जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपनी पार्किंग में, और अपन जा रहे हैं अपनी थार से। तो भाई अभी अपनी थार पहली सर्विस मांग रही है, तो आपको दिखाऊं अपनी थार कितनी चल चुकी है भाई। 3 दिन में भाई 1000 किलोमीटर वैस क्या मायने रखता है। ये देखो 3 दिन में 822 किलोमीटर, तो जो कि बहुत ज्यादा होता है गाइस। तो अभी इसकी पन्नियां भी नहीं उतरी हैं, इसकी मॉडिफिकेशन भी अपने को शुरू करानी है, बट टाइम बहुत कम है, कल से अपन स्टार्ट करते हैं, कल या परसों से। हाँ हाँ ला भाई ला, स्पीकर ला अपना। तो भैया स्पीकर भी अपन ही ले आ रहे पार्टी में, यहाँ रख दे भाई। हाँ जी इनका पार्टी बॉक्स ले आ रहे अपन, क्योंकि वहाँ वही मनीषा ने 2-3 आइटम मेरे से मंगाए, तो अपन लेके जा रहे हैं। तो आकाश पीछे कुछ डाल रहा, क्या डाल रहा भाई? मैं नहीं बताऊंगा। तो ये कह रहा सरप्राइज है, डिग्गी में मत देखना, कुछ सामान रख रहे हैं। और ये कुछ सामान है खोल लो। ले गया कैच के आराम। ये देखो ये स्पेस देख रहे हैं भाई, कार कैसी है। हाँ जी सर क्या हाल है? बढ़िया सर, मुबारक हो आपको। ऊपर से देख लो सर, बहुत है। कैसी लगी? मस्त लगती है सर, देखने में तो मस्त है। अरे थैंक यू सर, इनको ही पसंद आ गई थार। एक्चुअली ऐसा है जहाँ भी ले आ भाई, अरे है ही है। अगर ये गाड़ी ली हाँ। बाय रोड ले लद्दाख नहीं गए तो कोई तीर्थ नहीं किया जी आपने। सही सही, क्या बात बात बोली। मैं अभी मार के आया हूँ ना हाँ। मैं हम अल्टुराज में गए थे हाँ। वो महिंद्रा की जगह तो बंद हो गई। हाँ जी पर भाई साहब कहते हैं ना, मजा तो रस्ते का है, मंजिल का मंजिल का नहीं। बिल्कुल सही बोले सर। डैम गुड यार, 10 दिन लगा के आए हैं सारा मजा। हमको कुछ पता था हमें कहाँ रहना है, कहाँ क्या करना है, पर 10 दिन भाई साहब जन्नत। मेरी 50 साल मनाने को हो रही है। लाइफ में अगर किसी बंदे ने वो मौज नहीं ली तो बेकार है उसका। क्या सही है, मैं वही बोल रहा हूँ। लोग सर जाना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा भाई फोटो ले, जल्दी है वो पहुंचने वाली है मनीषा। तो मनीषा को भी लेना है, वो मारी है मेट्रो से। कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग मेरे को? मैं नहीं बताऊंगा। तो ये एक्चुअली ये पार्टी दे रही है मनीषा अपने को, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं। तो मनीषा को लेने हम आ गए रेड लाइट पे। तो मनीषा भी आई है। क्या हो गया भाई तुम तो इतना सच सच? खोल रहा हूँ गुस्सा नहीं। लाओ सामान पकड़ाओ। गिफ्ट आए मेरे एडास के व्लॉग में पहले ही देख लिए थे लेकिन। तो अभी मैंने दोनों को पिक कर लिया, और ये अपने को कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हो? मैं जंगलों में। कहाँ जा रहे हैं भाई, कुछ तो बता दे, कुछ तो सरप्राइज खोल दे। जंगल में होने वाला है मंगल। मतलब दोनों मतलब ढीट हैं, कुछ नहीं बता रहे भैया कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। नई थार कैसी लग रही है? बहुत 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 अच्छी अच्छी लग रही है। ये मुझे बहुत बड़ी लग रही है ये अंदर से, पता नहीं कहाँ ली आई है ये गाइस, कीचड़ों में ले जा रही है। तो भाई पहले दिन ही कीचड़ में डलवा दिया इन्होंने तो मेरे। तुम क्या कर रही हो? मैं ऑफरोडिंग कराने लाई हूं। और भाई आगे तो पूरा अंधेरा है यार, हिल तो रही है लेकिन भाई रास्ता तो है ही नहीं। कहाँ ले जा रहे हो? जंगलों में ले आ गए के बाद पीटने का इरादा है तुम लोगों का? भाई है तो गंदी ऑफ रोडिंग भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ देखो। अच्छी ऑफरोडिंग टेस्ट हो रही है इस गाड़ी में। तो हम आगे आगे भाई आगे so, कहाँ लेके आई हो? यही लगा दो पीछे, यही लगा दो, ठीक है यही लगा दो। आर यू रेडी गाइस? कैमरा है क्या? हाँ। अच्छा तो गाइस ये पता नहीं कहाँ ले आया है, मेरी एकदम लिटरली फट गई है। मेरा हो गया मैं, चलो लाया मैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। पता ये रही चाबी भाई, ये कितने है गौरव भाई है? ये कितने? ये पता नहीं कितने हैं, वो कुछ नहीं दिख रहा। एक और स्टेप है, एक और स्टेप, नीचे नीचे नीचे, इसके बिल्कुल नीचे।
यार क्या है बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो? अब डर लग रहा है मेरे को, संभाल भी नहीं पाएगी ये बेवकूफ है। राइट बिल्कुल प्लेन है, स्टेयर नहीं है। नहीं है स्टेयर, नहीं है स्टेयर खत्म। तो देखते हैं भाई, आकाश भाई कहाँ ले आ रहे हो? चलिएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा। मेरे जूते गीले हो गए हैं अभी, मेरी सैंडल्स। सामने एक बारी कैमरे में दिखा क्या चल रहा है। अभी तो ऐसा है कुछ जो गौरव भाई को नहीं दिख रहा है। भाई पहली बार तुम्हें डरते हुए देख रहा हूँ। सही में भाई, आओ आओ आओ, पार्टी चल रही है। माइक लगाओ, माइक लगाओ। अबे माइक क्या? अच्छा हाय, कितनी बढ़िया जगह लाई है यार ये, एक नंबर जगह है भाई। आकाश सारे भाई, क्या हाल है भाई? हो अपार भैया ने पूरी हेल्प करी ऑर्गेनाइज करी, थैंक यू यार। अब सांस ले लो, बोल लो यार। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टी इज मनीषा। अच्छा अच्छा, उनका तो था ये पूरा प्लान। अच्छा तो अभी खाने का कर रही है पूरा वो, तो अभी सारे भाई लोग जितने भी आए थैंक यू सो मच भाइयों। मेरा नाम अमित है और मैं वेदास बैंड से हूँ। अच्छा, मैं लीड सिंगर में भी हूँ और साथ में मेरे ब्रदर हैं। अच्छा अच्छा, लीड वोकलिस्ट ऑफ द बैंड, वेरी गुड। वेदास द बैंड एवरीवन, और हम लोग गौरव भाई के बर्थडे पे आए हैं। अच्छा, गौरव भाई के प्यार में यहाँ पे आए, गौरव भाई ने यहाँ पे बुलाया। तो भैया मैं मतलब दिल खुश हो गया, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि भैया आप आओगे यहाँ और मतलब मैं लाइव देखूंगा आप लोगों को। भैया मेरे को मतलब उम्मीद से बढ़ गया ये मेरे लिए। तेरे कहानी खामोश ज़िंदगानी सन्नाटा कह रहा है, क्यों ज़ूम सह रहा है, बजाए प्यार की शबनम के बरसते रहते हैं हर सिन, मौत के साए स्याहियों से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें, है कोई नहीं कोई भी नहीं, ना पास ना दूर, एक प्यार है जो जिए जाते हैं, जिंदगी है जो जिए जाते हैं, खून के होंठ पिए जाते हैं, जिंदगी है जो जिए जाते हैं। तो भाई देखो सारे भाई अपने आए, तो सबसे पहले मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू भाइयों, लव यू भाइयों, आप आए सभी, क्या बात है भाई। ये भाई, हाँ जी भाई, ये तो अपने इलाके की है भैया। अपना बताओ भाई, आपका कुछ हैंडल है कुछ? आर के फैज को भाई सब्सक्राइब करो। अबे तुम हटाओ ये, हटाओ। हाँ तुम बताओ भाई, घुमक्कड़ को शाउट आउट करो।
प्रॉपर्टी है, इन्हीं की प्रॉपर्टी है, और ये ना होते तो कोई ना कोई ना। मैं प्रशांत भाई। अच्छा, ये प्रशांत भाई है मेरे भाई, लव यू भाई। बलून इवेंट प्लानर है। अच्छा अच्छा। जो भी है राहुल मिश्रा, वो आए नहीं है। अच्छा, बट उनका वर्क पूरा बैलून गाइस यूनिक का सेटअप है, तो बिग शाउट। एक्चुअली उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, तो इनका इंस्टाग्राम ये रहा, सब्सक्राइब फॉलो करो। हमारी पार्टी से वो हो गई थी ना, पोस्टपोन हो गई थी, तो आज के लिए भी माने वो। चल, सरप्राइज है बिल्कुल भाई। थैंक यू सो मच मेरे भाई। गिफ्ट रहेंगे हम क्या? अच्छा, लहेदी लेके आए हो? अबे गिफ्ट की तो वीडियो इसने पहले डाल दी थी। नहीं डाली, तुम्हें पता भी नहीं। दोबारा अच्छा अच्छा केसरिया तेरा इश्क है पिया, बन जाऊं मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी रैन मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, एक गाना भैया YouTube की फैमिली के लिए गा दो कोई अच्छा सा। YouTube के बंदे देखे हैं, जरा खुश हो जाएं। पायल दे तू करके ना तमन्ना हीरा बनना, मुझको तो बस तेरा बनना, एक झलक दे काम सजा जाए, फिर भी तेरी झलक शर्फी शिवानी। तो ये होती है भाई पार्टी, इसे कहते हैं पार्टी, फार्म पार्टी, लड़का गुजरा। तो गाइस अभी अपन एंजॉय कर रहे हैं पूरे गिटार विटार के साथ। मैं व्लॉग कम बना रहा हूँ क्योंकि समय एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता अपन ऐसे किसी को डिस्टर्ब करें। तो अब आ रही है बारी खाना सर्व करने की। तो खाना तो हमने स्विगी से मंगाया है ना? यस। और बाप रे, इतना सारा, बहुत सारा उधर रख दिया, आधा हमने। अच्छा, सारे स्टार्टर ही है क्या? हाँ, सब स्टार्टर्स है, चिकन वेज सब कुछ है। चलो अपन तो पंडित है भैया, तो अपन तो वेज ही खाएंगे। गाइस अभी हम निकल गए पार्टी से तीनों, और काफी मजा आया। और मनीषा, तुमने इतने सरप्राइज कैसे प्लान कर लिया, मतलब है? इतना दिमाग कैसे लगा लेती हो तुम? किसके जूते ले रहे हो? मेरे को यार पार्टी पुटी गाइस मेरे को इतनी समझ नहीं आती। मैं थोड़ा घरेलू टाइप का लड़का हूँ, मेरे को ये है कि भैया घर में बैठो, बाहर से सब्जी रोटी मंगाओ, तब मजा आ जाता है। तो अभी पहले छोड़ते हैं आकाश भाई को और फिर चलते हैं भाई। रात के 4 बज गए, 5 बज गए। हाँ भैया, 5 बजने वाले हैं भाई, नींद आने वाली है। चलो भाई, ये देखो रात को भी काम करते हैं बंदे यार। तो गाइस अब अपन अनबॉक्स करते हैं अपने जन्मदिन के क्या क्या गिफ्ट मिले मेरे को। तो ये सबसे महंगा गिफ्ट इसको करेंगे बाद में भाई। तो किसी ने मेरे को ड्राई फ्रूट दिए हैं, दिवाली का भी दिया है, फिर उपहार के रसगुल्ले आए हैं जो मैं आगे सरकाऊंगा। तो किसी ने लिटरली भाई इमली दिए और खजूर दिए। किसी को पता चल गया तुम्हारा खट्टा खाने का मन है? ये खजूर भी दिए भैया, ये किसने दिए मेरे को तो याद ही नहीं है, बर्थडे में इतना बिजी था। ये देखो ड्राई फ्रूट का है ना, ये मेरे ख्याल से ड्राई फ्रूट का ही है। किसी ने मीठा चटपटा दिया है, आकाश को दूध दे दूंगा ये मीठा चटपटा। पूरे दिवाली के ही सही गिफ्ट है क्योंकि दिवाली भी थी। और आगे सरका दूंगा कहने का मतलब ये है। हाँ, आगे सरका दूंगा। और किसी ने फिर बेडशीट दी है मेरे को, क्योंकि मेरे को बेड साफ रखने का, अपने रूम साफ रखने का बहुत शौक है। ये देखो अपनी बेडशीट कुछ ऐसी लगेगी। फिर किसी ने मीठा मजा दिया है। ओ क्या, ये क्या दे दिया ब्रो भाई? किसी ने पास्ता रखने के लिए मम्मी को दिया है कि गौरव जोन भाई का पास्ता इसमें रखना, ये देखो। तो इसीलिए दिया है कुक एंड सर्व कि गर्म रहे पास्ता अपना। फिर ये है डबल मजा। अब बारी आती है इसकी, तो अब आपको दिखाता हूँ। ये दिया है मनीषा ने, ठीक है, बाकी का मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता भाई किसी का गिफ्ट। तो मनीषा ने बोला भाई मेरे तो बता देना, मैंने ठीक है भाई एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ। तो मनीषा ने सबसे पहले मेरे को ये दिया है मैनचेस्टर का एडिडास का मेरे गिफ्ट में, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि ये लूं, बट मैं ले नहीं पा रहा था।
कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताओ। और दूसरा उसने मेरे को दिया ये टी शर्ट, ये नाइकी की टी शर्ट, कैसी लग रही है आप मेरे को कमेंट करके बताओ। तो मेरे को ये जन्मदिन मेरा बेस्ट लगा भाई, मेरे दोस्तों ने इतना करा। आपको जैसे पता ही है मेरा तो भाई दोस्त ही नहीं है, गिने चुने दो तीन दोस्त है, वो तो गिनती के तीन चार दोस्त है मेरी जिंदगी में। तो इन्होंने इतना प्लान करा मेरे को काफी अच्छा लगा। बट एक चीज का मेरे को बुरा लगा कि भैया हम एक एक साल बड़े होते जा रहे हैं। जैसे ही मेरा बर्थडे आता है ना मैं सैड और हो जाता हूँ कि भाई यार मेरा जन्मदिन आ गया, मैं एक साल और बूढ़ा हो जाऊँ। कम हो गया नहीं यार, अगर आपका क्या सोचना है इस बारे में प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि आप अपने जन्मदिन को कैसे लेते हो और क्या सोचते हो अपने बर्थडे के बारे में। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाल कलर बटन दबा के। और अब हाँ, अपने न्यू थार के नंबर की हंट चालू हो गई है, तो अपन लखनऊ जाएंगे और देखते हैं लखनऊ से नंबर लेके आएंगे। तो अगले व्लॉग में वो सब आएगा तो जरूर देखना। थैंक यू, पीस आउट, लव यू। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, हो सके तो हम लखनऊ में मीटअप करेंगे।